Hello everyone, are you a corporate professional who has completed any of these three degrees, that is Chartered Accountant, Company Secretaries and Cost and Works Accountant of India? तो अगर आपके पास इन तीनों में से कोई भी डिग्री है एंड आप टीचिंग लाइन में आना चाहते हैं, दैट इज आप कॉलेज में लेक्चरर या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो इस वीडियो को जरूर देखें। एक बहुत ही बड़ी न्यूज आ रही है, एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज आ रही है जो मैं आप सबको देना चाहता हूं। सो बात करते हैं उस न्यूज के बारे में। सो काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ये सारी डिग्रीज परस्यू करने के बाद, प्रोफेशनल लाइफ में इनरोल होने के बाद, कुछ सालों बाद उन्हें ऐसा लगता है कि नाउ इट्स द टाइम फॉर अस कि हम टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, बट वो टीचिंग लाइन नहीं परस्यू कर पाते या फिर कॉलेज में लेक्चरर नहीं बन पाते हैं बिकॉज नेट देने की एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। एंड इन तीन डिग्रीज को, इन तीन प्रोफेशनल डिग्रीज को, दैट इज सी ए, सी एस एंड सी डब्ल्यू ए को पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री नहीं माना जाता था। तो काफी सारी रिक्वेस्ट आई थ्रू दीज इंस्टीट्यूट, दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया एज वेल एज इंस्टीट्यूट एंड ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। एंड फाइनली यूजीसी ने एक एक्सपर्ट कमिटी बनाई जहां पे काफी सारे डिस्कशंस हुए। एंड फाइनली एक न्यूज आई है, एक अपडेट आई है जिस का लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से वेरीफाई भी कर सकते हैं, दैट नाउ दीज थ्री प्रोफेशनल डिग्रीज वुड बी कंसिडर्ड एट पार लेवल विद द पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप इनमें से कोई भी डिग्री होल्ड करते हैं सो आप एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होल्डर हैं एंड आप डायरेक्टली नेट में इनरोल कर सकते हैं, नेट का एग्जाम दे सकते हैं एंड असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं कॉलेज के अंदर। अब आपके दिमाग में एक छोटा सा सवाल आ रहा होगा कि सर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री तो मानी जाएगी बट कौन से सब्जेक्ट के लिए इनरोल करना है। सो दो अभी तक इसके बारे में कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं आई है, बट मेरी अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि सिंस इन तीनों ही प्रोफेशनल डिग्रीज में सी ए एज वेल एज ICWA के अंदर, तीनों में ही मेजॉरिटी सब्जेक्ट्स वो हैं जो एमकॉम के सिलेबस में होते हैं या फिर एमकॉम के कोर्स में होते हैं। तो मुझे ये लगता है कि आप एमकॉम की डिग्री आपकी मानी जाएगी या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कॉमर्स के लेवल की मानी जाएगी एंड आप नेट कॉमर्स में भर सकते हैं, दैट इज द कोड 8। सो आई होप कि आपके लिए ये एक बहुत अच्छी न्यूज है एंड अब आप फुल फ्लेज्ड अपनी लेक्चरशिप की तैयारी कर पाएंगे नेट के फॉर्म भर के या फिर नेट की तैयारी कर पाएंगे विथ ऑल डेडिकेशन। सो थैंक यू। अगर आपको लगता है कि आपको ये न्यूज हेल्पफुल लगी है सो डू हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।